आजकल का मौसम तो आपको पता ही है कैसा मौसम है। आजकल खुशक सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी से सभी बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं। मेरी बेटी अरीज वो भी कल की ठीक नहीं थी, उसका गला खराब था, तो इसलिए वो मेरी वीडियो बनाती है और वो मेरी कैमरा मैन है, तो इस वजह से मेरी कल वीडियो नहीं बन सकी। तो आज वो ठीक हुई है तो वो मेरी वीडियो बना रही है, उसकी तबीयत उसकी ठीक है आज। तो अल्लाह करे सब बच्चे बड़े ठीक रहे और बारिश हो तो फिर ही मौसम थोड़ा ठीक होगा। तो आज मैं बनाने लगी हूँ समोसा पैटीज। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने मैदा लिया है और इसमें हम सबसे पहले अजवाइन डालेंगे। ये हाफ टी मैंने अजवाइन ऐड की है और हाफ टी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और ये हम 1 टेबलस्पून घी है इसको मैं ऐड करूंगी और इसको हम अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। तो जनाब हमारी डो रेडी हो चुकी है और मैंने इसको ऊपर थोड़ा सा घी लगा के रखा है और ऊपर हम इसे कवर करते हैं और 10 मिनट तकरीबन मैं इसको रखूंगी और उतनी देर तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये आलू मैंने बॉयल करके तो पीस लिए हैं और इनमें मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूंगी और ये सब्ज़ मिर्चें 2 अदद मैंने ली हैं और ये प्याज लिया हुआ है, कुछ ग्रीन ऑनियन है वो मैंने लिया है और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें सूरह मिर्च का ऐड करूंगी। तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी और ये 1 टीस्पून मैं इसमें पीसा हुआ खुशक धनिया ऐड करूंगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये थोड़ा सा ज़ीरा है इसको मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर और अब हम इनको मिक्स करेंगे। पता नहीं वो किधर है अब। तो जनाब ये मैदा हमारा रेडी हो चुका था तो ये मैंने बड़ी सी रोटी बना ली है। रोटी हमने पतली सी बनानी है, ज़्यादा मोटी हमने रोटी नहीं बनानी क्योंकि मोटी रोटी बनाने से फिर वो खस्ता नहीं बनते समोसा पैटीज। और ये स्टफिंग अब हम इसके ऊपर रखेंगे। सारा हम इसके ऊपर फैला लेंगे। तो जनाब ये हमारी स्टफिंग ऊपर आ चुकी है सारी और अब हम इसका रोल बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके तो हम इसका रोल बनाते जाएंगे। ये देखें हमारा रोल माशाल्लाह बन चुका है ऐसे। ये देखिए हमारा लंबा सा रोल बन गया है अब और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये नाइफ की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा हम इसको लगा लेंगे मैदा और दरमियान से हम इसकी कटिंग करेंगे ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह हुए हैं हमारे समोसा पैटीज। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने पानी में मैदा डाला था और इसकी लई मैंने तैयार की थी तो साथ वो लगा के तो मैंने डाला है और ऐसे ही हम इसके साथ और बना लेंगे। हम कटिंग कर लेंगे इसकी और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं, इनका बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे।
तो जनाब हमारे समोसा पैटीज माशाल्लाह हो चुके हैं रेडी। आप देख सकते हैं किस कदर ये खूबसूरत बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं और ये खाने में भी इतने ही टेस्टी हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए और सर्दियों का मज़ा लीजिए। सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं, समोसे बनाएं, पकौड़े बनाएं, बहुत मज़ा आता है। तो जनाब इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मेरे लिए भी आप दुआ किया करें। अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी दे, हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।